हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक नए टॉपिक के साथ में नई होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर आया हूं आपके लिए, कैंथरिस, हाँ जी, स्पैनिश फ्लाई के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में प्रदान करने का प्रयास करूंगा। उसके अनसुने रोचक तथ्य आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, आपको जानकारी दूंगा कैंथरिस क्या क्या एक्चुअल डोजेज होने चाहिए, कौन से ऐसे थेरेपेटिक इंडिकेशन है आप उसमें कैंथरिस इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक वाइंस एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर पूरी विस्तार से जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है मेरे द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कैंथरिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपको पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। स्पैनिश फ्लाई इसका कॉमन नेम होता है, ये साउथर्न और मिडिल जो ईस्ट यूरोप होता है वहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में आपको देखने वाला एक इंसेक्ट है, कीट पतंगा है, जो कि आपको अप्रोक्स मई और जून के महीने में ही देखने को मिलेगा। ये इंसेक्ट की लंबाई देख लीजिए आधा इंच होती है। ये आपको गोल्डन येलो ग्रीन कलर का एक इंसेक्ट होता है कीट पतंगा, ओल फ्लाई है, स्पेनिश फ्लाई के नाम से जाना जाता है, जो कि मई और जून में आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी सी धंसी हुई होती हैं, ब्राउनिश कलर की, और जो उसकी बॉडी होती है वो कॉर्डिफॉर्म टाइप की होती है, पंख देख लीजिएगा इस तरह के आपको दिखाई दे। होल ड्राई फ्लाई जो है, पूरा जो इंसेक्ट है वो होम्योपैथिक में यूज किया जाता है हमारे मेडिकल सिस्टम में। डॉक्टर हनीमन जो थे हमारे जनक, होम्योपैथी के जो भी जनक थे, उन्होंने इस मेडिसिन को ईजाद किया था, प्रूव किया था। होल ड्राई इंसेक्ट जो है, होल जो कीट पतंगा है, वो ड्राइड फॉर्म में होम्योपैथिक मदर टिंचर है, लोअर पोटेंसी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। एक खास बात कैंथरिस की आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट के रूप में होता है एल्केलॉइड, वो होता है कैंथरिडीन, बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में इसके अंदर इंक्लूड होता है, जो कि इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रदान करता है, जिसकी वजह से आज ही हमारे होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कैंथरिडीन। कैंथरिस के बारे में ये हुई थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी। अब आइए इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये हमारी बॉडी की कौन से बॉडी पार्ट या सिस्टम पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले याद रख लीजिए, हमारा जो होल यूरिनरी सिस्टम है, यूरोजेनाइटो ऑर्गन जितने भी हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, मिएटस, ये ऊपर से नीचे तक ऑल ओवर रीजन कवर करता है। अब आइए इसके सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। बर्निंग मैक्चुरेशन, आसान भाषा में समझेंगे कि किसी भी तरह की पेशाब में होने वाली जलन, यूरिन पास आउट करते समय पेशेंट को इवन इतनी ज्यादा जलन होती है कि पेशेंट, बच्चे तो बिल्कुल चीखने लगते हैं, ये इस कारण से होता है, किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफाइलो या स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट जो होता है ये वो बढ़ जाता है, पस सेल्स बढ़ जाती हैं, एपिथेलियल कास्ट बढ़ जाती है, अगर हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब ये सारी चीजें बढ़ने के कारण ही पेशाब में जलन होने लगती है पेशेंट को। ड्रॉप बाय ड्रॉप पास आउट होता है, इजीली पास आउट नहीं होगा यूरिनेशन, अर्गिंग जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बर्निंग मैक्चुरेशन, पेशाब में जलन होने लगेगी, इवन ब्लडी यूरिन आएगा, टर्बिडिटी होगी, कास्ट भी बहुत ज्यादा होगी जो भी पेशेंट पास आउट करेगा यूरिनेशन। तो ये बर्निंग मैक्चुरेशन या पेशाब में जलन की टॉप मोस्ट टॉप ग्रेड फर्स्ट नंबर की होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप लोग इसका मदर टिंचर उपयोग में लीजिएगा, 10 से 15 बूंद सुबह दोपहर शाम एक चौथाई का पानी में लेंगे तो किसी भी तरह का बर्निंग मैक्चुरेशन जो है वो सबसाइड हो जाएगा। यूरिनरी सिस्टम पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया है, इंटरनली नेफ्रॉन पर भी इसका बहुत ही बेहतरीन उपयोग होता है। अब बात करूंगा मैं इसकी जो स्किन पर वेसिकुलर पस्टूल्स या देख लीजिए वेसिकुलर इरप्शन हो जाते हैं, जिसके अंदर खुजली चलती है, या बर्न या स्कार्ड हो जाता है, जल जाता है हाथ आपका, बर्न जैसे कि आग के अंदर आपका हाथ जल गया, या फिर गर्म गर्म कॉफी या चाय करके, बर्न और स्कार्ड दोनों में डिफरेंस होता है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, कभी एक वीडियो होगा तो इसके रिगार्डिंग तो मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी नॉलेज। बर्न स्कार्ड में भी अगर हम इसका मदर सोल्यूशन या मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा, स्किन पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी
जो कंडीशन है डिजीज कंडीशन वो कवर अप हो जाती है। मेल्स में इरेक्शन या पेनफुल इरेक्शन के लिए भी कैंथरिस बहुत अच्छा काम करती है। स्क्रॉटम एरिया पे जो एक्जिमा हो जाता है, जेनाइटल एरिया पे एक्जिमा हो जाता है, वेसिकुलर इरेक्शन होते हैं वहां भी इसका मदर सॉल्यूशन या जो मदर टिंचर है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं वाटर में मिक्स करके। तो ये देखिए पूरी जानकारी हुई स्पैनिश फ्लाई या कैंथरिस के बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी है, बट आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो मेन एक्शन है वो बर्निंग मैच्यूरेशन या पेशाब में जो जलन होती है, किडनी से रिलेटेड अगर स्टोन की भी प्रॉब्लम है तो होल रीजन जो होता है जो यूरिनरी रीजन है वहां पर इसका बेहतरीन उपयोग देखा जाता है। तो इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर ईमेल आईडी और अदर लिंक दी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित होगा होम्योपैथिक वाइंस पर, तो देखते रहिए होम्योपैथिक वाइंस के साथ में जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर बिल्कुल करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।